पश्चिम बंगाल में कोयला तस्करी के बाद पशु तस्करी कांड भी सीबीआई सक्रिय हो गई है। बता दें आपको, जांच एजेंसी ने टीएमसी के यूथ विंग के महासचिव विनय मिश्रा के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। विनय मिश्रा को फिलहाल फरार बताया जा रहा है, लेकिन सीबीआई की चार्जशीट ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। चार्जशीट में विनय मिश्रा पर पशु तस्करों को सुरक्षा देने और इसके बदले पैसे लेने का आरोप है। सीबीआई इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट पहले ही कोर्ट के सामने दाखिल कर चुकी है। इन 7 लोगों में एक बीएसएफ कमांडेंट और मशहूर तस्कर इनामुल हक शामिल है। इनामुल हक को सीबीआई ने दिल्ली में एक नाटकीय घटनाक्रम के बाद गिरफ्तार किया था। इनामुल हक और उसके सहयोगियों के यहाँ पड़े छापों के बाद इस मामले में विनय मिश्रा का नाम सामने आया था। विनय मिश्रा कोयला घोटाले में भी आरोपी हैं। कोयला घोटाले में ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी को पैसे पहुंचाने का विनय मिश्रा पर आरोप है। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पहनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की, जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की, तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़।